हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय परमार और आप देख रहे हैं। क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि भाई मेरे पास जो ये शायरी वाला फ़ोटो आया है तो उसको मैं अपने टेक्स्ट में बदलना चाहता हूं। मेरे जो फोटोज होती है उसमें मैं आप टेक्स्ट लगाना चाहता हूं इस शायरी को। ऐसा कभी आपने सोचा है? अगर आपने नहीं सोचा है और आपको ऐसा करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कौन सा एप्लीकेशन है और हम कैसे हमारे जो फ़ोटोज़ होते हैं उसमें से टेक्स्ट निकाल के कॉपी पेस्ट करके हमारे फ़ोटोज़ में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए, ताकि आप भी तभी तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ विजय परमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विजय परमार टिप। दोस्तों, आज की वीडियो में जो अभी मैंने आपको बोला कि भाई हम जो हमारी फ़ोटोज होती है उसमें से हम टेक्स्ट को निकाल के कॉपी पेस्ट करके हम कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो कौन सा एप्लीकेशन है, तो दोस्तों मैं आपको ले जाता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको डाउनलोड कैसे करना है और क्या लिखना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पर और हमने यहाँ से प्ले स्टोर अपना ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना है कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन प्रो। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है कॉपी टेक्स्ट ऑन प्रो। तो यहाँ पर आपको इसको सर्च कर लेना है और यहाँ पर देख लीजिए जो दूसरा वाला एप्लीकेशन है वही आपको डाउनलोड कर लेना है और मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन करूँगा, आप पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए फिर ओपन कीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, आप किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप पहले वाले पर कन्फर्म कर सकते हो और दूसरे में आप कोई भी लैंग्वेज आप बोल के या पेस्ट करके आपको जो कहीं पर जानना है कि भाई इसका अर्थ क्या है तो वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं आपको वो भी बता दूंगा अभी। फिर यहाँ पर आपको इमेज पर, जो ऊपर की साइड इमेज दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चूज़ इमेज पर क्लिक करना है। नहीं तो आप टेक भी इमेज कर सकते हैं कि आपको कहीं पर भी आपका जो फोटो होता है उसको आप डायरेक्ट फ़ोटो खींच के भी आप कर सकते हैं इसको पेस्ट। यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड किए हैं जो शायरी वाले हैं, तो इसको आपको पहले पूरा सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से और यहाँ पर आपको राइट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारा जो टेक्स्ट उस फोटो में था वो यहाँ पर कॉपी हो गया है बिल्कुल और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब आपको इसको व्हाट्सएप पे शेयर करना है, तो आप कैसे करोगे? तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पे चला गया, यहाँ पर पेस्ट किया और सेंड। तो आप इतनी आसानी से यहाँ पर किसी को भी सेंड कर सकते हैं। मैं आपको एक और भी बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। यहाँ पर अपना ऐप ओपन करके यहाँ पर इमेज पर क्लिक करना है, चूज इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर कोई भी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको पूरा पूरा सिलेक्ट कर लेना है जो भी लिखा है उसको और यहाँ पर आपको फिर से राइट पर क्लिक कर देना है और ये हमारा टेक्स्ट है जो कॉपी हो चुका है। अब यहाँ से भी इसको भी हमें कॉपी कर लेना है और यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर हम व्हाट्सएप पर शेयर कर देते हैं, यहाँ पेस्ट करके सेंड। तो हम आसानी से अपनी किसी को भी इस तरह की शायरी हम सेंड कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आप देख लीजिए जो शेयर के बगल में जो लिखा AS लिखा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी पेस्ट कर सकते हैं और उसका आप हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये एप्लीकेशन कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा, ये एप्लीकेशन या ये वीडियोस कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।